दोस्तों, जब भी हम गूगल एडवर्ड्स पे अपने यूट्यूब के चैनल को प्रमोट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अपने चैनल को प्रमोट तो मैं कर लूं, लेकिन उसमें पैसा कितना लगाना पड़ेगा, यानी कितना बजट देना पड़ेगा। क्योंकि गूगल एडवर्ड्स तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपने कभी ऐड नहीं रन किया है तो आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसा कुछ भी नहीं है, 150,000 नहीं लगता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम कितना बजट आप गूगल एडवर्ड्स पे स्पेंड करके आप अपने यूट्यूब के चैनल को प्रमोट कर सकते हो, आप अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं और मुझे बहुत सारे लोग मेरे फेसबुक पेज पे भी मैसेज करते हैं कि सर मुझे अपने वीडियो को प्रमोट करना है गूगल एडवर्ड्स पे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना पैसा लगता है गूगल एडवर्ड्स पे और कितना पैसा हमें लगाना चाहिए। तो सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा। मैं बताऊंगा कि कितना पैसा लगता है गूगल एडवर्ड्स पे अगर आप अपनी यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, और मिनिमम कितनी बिडिंग आपको रखनी चाहिए और मिनिमम कितना बिड रखना पड़ता है अगर आप कॉस्ट पर व्यू वाला ऐड चला रहे हैं गूगल एडवर्ड्स पे। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिल जाएगा और सारा कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल काका पे, मेरा नाम राहुल राय है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम अपने YouTube की वीडियो को प्रमोट करते हैं Google AdWords पे तो वहाँ पे ऐड के फॉर्मेट्स बहुत सारे होते हैं, यानी जो ऐड आप बनाते हो कई सारे तरीकों से ऐड बन सकता है, यानी जो प्लेसमेंट कहाँ पे आपको प्लेसमेंट करना है, कौन से ऐड फॉर्मेट को यूज़ करना है, किस तरह के ऑडियंस टारगेट करने हैं, और आपका जो बिजनेस कैटेगरी है यानी आपका जो चैनल है जिस कैटेगरी पे है, किस नीश पे है, तो इन सब सारी चीज़ों को रिलेट करके ही जो YouTube का बजट होता है सेट करना पड़ता है, यानी जो बिडिंग होती है इसके अकॉर्डिंग होती है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जैसे कि आपका अगर कोई म्यूजिक का चैनल है, किसी का हेल्थ केयर से रिलेटेड चैनल है, किसी का फैशन से रिलेटेड चैनल है, तो सबके चैनल का जो बजट है यानी सबके चैनल की जो बिडिंग होगी जो वीडियो पे वो सेम होगी, ऐसा नहीं है। वो नीश के रिलेटेड होता है, यानी सबका डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल होता है तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिडिंग भी होती है। गूगल एडवर्ड्स में मिनिमम 500 जो है आप स्पेंड कर सकते हैं, यानी 500 रुपए लगा के आप अपने अकाउंट से गूगल एडवर्ड्स के आप अपने यूट्यूब के चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। 500 से अगर आप चाहें तो 1000 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं या 3000 भी कर सकते हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि 500 के ऊपर कितना बजट आप लेके चलेंगे, और जिसमें से अप्रॉक्स 18% GST जो है गूगल एडवर्ड्स ले लेता है, यानी अगर आप 500 रुपए डालेंगे तो 500 रुपए नहीं मिलेंगे उसमें, आपको पूरे उसमें से 18% डिडक्ट हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि जब आप कैंपेन बनाएंगे तो आपको बिडिंग वगैरह कितनी रखनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बहुत सारे एड्स मैंने रन किया है बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के चैनल्स के ऊपर, तो जो एक ऑन एंड एवरेज जो व्यूज मुझे मिले हैं जिस पैसे में, मुझे 5 पैसे से लेकर 15 पैसे तक का पर व्यूज आया था। यानी अगर आपका कोई चैनल म्यूजिक से रिलेटेड है तो आप जो बिडिंग रखेंगे 5 पैसे से लेकर 15 पैसे तक रखेंगे, यानी मैक्सिमम जो 15 पैसे आपको रख लेना चाहिए। अगर आपका एड जो रन नहीं कर रहा है तो आप 20 पैसे तक भी रख सकते हैं, लेकिन ऑन एंड एवरेज जो आपका व्यूज आएगा म्यूजिक के चैनल पे वो 10 पैसे पर व्यू के हिसाब से आएगा। लेकिन अगर वही कोई आईटी से रिलेटेड या कोई टेक से रिलेटेड कोई चैनल है तो वहां पे भी आपको 10 पैसे से लेकर 40 पैसे तक का ही बिड रखना पड़ेगा, तभी आपका जो एड है रन करेगा। आप वैसे रखना चाहें तो 5 पैसे भी रख सकते हैं, लेकिन आपका जो एड है रन नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में जब भी हम वीडियो एड रन करते हैं तो वहां पे जो है हम बिडिंग थोड़ी सी ज्यादा ही रखते हैं, 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे 1 रुपए तक रखते हैं ताकि ऐड जो हमारा एक बार रन हो जाए। जब एक बार ऐड रन हो जाता है उसके बाद आप बिडिंग जो है कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिनिमम 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई ऐसी लिमिट नहीं है, 50,000 1 लाख तक आप लगा सकते हैं। और ये जो 500 है आप इसको टोटल कैंपेन बजट में भी रख सकते हैं, डेली बजट में भी यूज कर सकते हैं, यानी डेली 500 रुपए भी खर्च कर सकते हैं और वही 500 रुपए आप एक हफ्ते में भी खर्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि अगर 500 रुपए आपके पास है तो आप अपने YouTube के चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, और आप बिडिंग जो है 10 पैसे 5 पैसे 20 पैसे 30 पैसे इस तरह से रख के आप चेक कर सकते हैं कि कितने पैसे का अगर आपने बिडिंग रखा तो आपका जो एड है रन कर रहा है। इसमें कोई आइडिया लो नहीं है कि नहीं आपकी वीडियो है तो आपके 5 पैसे व्यूज आएंगे या 10 पैसे आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो जो है किस कैटेगरी से रिलेटेड है, आपके ऑडियंस क्या टारगेट है, आपने किस तरह से टारगेट किया है, तो ये सारे फैक्टर काम करते हैं जब भी हम अपने YouTube की वीडियो को प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपने YouTube के चैनल को प्रमोट करने जाओ Google AdWords पे तो मिनिमम 500 का बजट डालो, 10 पैसे या 15 पैसे या 5 पैसे इस तरह से बिडिंग डालो और आप अपने चैनल को स्टार्ट कर दो। अगर 10 पैसे भी अगर आप बिडिंग पकड़ के चल रहे हो तो 400 रुपए में आपको करीब
4000 व्यूज आपकी वीडियो पे आ जाएंगे बहुत ही आराम से। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल के बार सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे वहां पे क्वेरी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।